तो आइए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू लिए, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम 3 व्हाइट ब्रेड का ब्रेड क्रम डालेंगे। मैंने 3 व्हाइट ब्रेड लिए थे, जिनके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। अब इसमें हम 1 अमूल क्यूब ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे। यदि आपके पास अमूल क्यूब नहीं है और अमूल की स्लाइसेस हैं चीज़ की, तो आप उसको भी कट करके डाल सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे, जिसको मैं हाथ से अच्छे से क्रश कर लूंगी। क्रश करने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाला। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1/2 स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच मैगी मसाला डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं मैगी मसाले का यूज़ कर रही हूँ। 1/2 चम्मच हींग डालेंगे और इसको हाथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने वही सामान यूज़ किया जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ किए हैं। यदि आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए, डो अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बार आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक और मसाले कम ज़्यादा हैं। यदि थोड़े कम ज़्यादा लगते तो आप बाद में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये डो हमारा तैयार है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी में 1.5 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतली सी स्लरी तैयार करेंगे। पानी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जिससे कोई लम्स ना बने। आप देख सकते हैं हमारी पतली सी स्लरी तैयार है, जो आसानी से बॉल्स में कोड हो जाएगी। अब इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम 1 कटोरी में थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ में लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा डो लेकर बॉल्स बनाएंगे। आप चाहे तो बॉल्स को गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं गोल शेप नहीं दूंगी, मैं ओवल शेप दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आप गोल शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं गोल शेप नहीं देना चाहती, मुझे ओवल शेप पसंद है, इसलिए मैं ओवल शेप दूंगी इसका। और इसी तरीके से हम सारे ओवल शेप बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, एक बॉल्स बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। देखिए, मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ वैसे यूज़ किया है, लेकिन बच्चों को चीज़ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद हो तो आप जो चीज़ के क्यूब होते हैं उनको भी कट करके बीच में लगा कर भी बॉल्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी में 1 अमूल क्यूब का जो चीज़ होता है उनके 3 भाग कर लिए, जिसके मैं बॉल्स बनाऊंगी बीच में रखकर। यदि आपके पास अवेलेबल है तो ही आप यूज़ कीजिएगा, बच्चों को पसंद है तो ही यूज़ कीजिएगा, वरना वैसे हमने ग्रेट किया हुआ चीज़ डाला था वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डो हाथ में लिया है। अब बीच में हम इस चीज़ को रखेंगे। आप चाहे तो चीज़ के 6 पीस भी कर सकते हैं, 7 पीस भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे पीस कर सकते हैं। मैंने 3 पीस करे हैं इसकी। बॉल्स इसके थोड़े बड़े बनेंगे क्योंकि चीज़ की स्लाइसेस थोड़ी बड़ी है। और ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फ्राई करते टाइम ये एकदम फट जाएगा, इसलिए चीज़ एकदम पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी दिखता है तो थोड़ा सा डो लगाकर उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये देखिए, एक चीज का पोटैटो बॉल्स तैयार है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक तैयार है, इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरीके से हम 2 और बाकी के बना लेंगे, और फिर इसके बाद हम नॉर्मल बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि बच्चों को चीज ज्यादा पसंद है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है।
ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं और जो स्लरी है उसको मैं एक बार चम्मच से हिला लेती हूँ। और एक बाउल में मैंने 4 ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब बनाया है और एक मैंने खाली प्लेट ली है। अब हम एक एक बॉल्स को इस स्लरी में डिप करेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद हाथ से इसको अच्छे से सेक दे देंगे, जिससे क्या होगा जो ब्रेड क्रम्ब एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे, ताकि वो कढ़ाई में फ्राई करते टाइम ना झड़े। अब इस तरीके से हम दोनों से अच्छे से कोट करके इसको रोल करके हाथ से एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को अच्छे से स्लरी में डिप करते हुए कोट करते हुए ब्रेड क्रम्ब से कोट करते हुए एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स को अच्छे से कोट कर लिया है। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है, तो आइए इसको हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर। ध्यान दीजिएगा इन बॉल्स को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा डो डालकर देखा तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके बॉल्स डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जब तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो जाए। तो हम इनको अभी बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं, जब ये हल्के से सिक जाएंगे तो तभी हम इनको पलटेंगे। ये हल्के से सिक गए तो मैं इनको हल्का सा पलट देती हूँ और आप देखेंगे कढ़ाई में थोड़ी सी जगह और हो गई, तो मैं इसमें और बॉल्स डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। एक और बॉल्स डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। ये देखिए मैंने 7 बॉल्स डाले। अब इनको हम अच्छे से पलटते हुए चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम और हाई करते रहेंगे। कढ़ाई हमारी एकदम ठंडी नहीं होना चाहिए, गर्म ही होना चाहिए। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, वाओ, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है रेसिपी। और ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इनको हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं अच्छे से, इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया और खाने में रियली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और एकदम क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी है ये। अब इसको भी हम टिश्यू पेपर पे रख लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो चीज़ वाले बॉल्स हैं उनको हम सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे पोटैटो बॉल्स फ्राई होकर तैयार है। रियली काफ़ी टेस्टी, काफ़ी इजी और फटाफट तरीके से बनकर तैयार है। मैं आपको एक चीज़ वाला बॉल्स फोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम क्रीमी है, क्योंकि हमने इसमें चीज़ का यूज़ किया है और पोटैटो का यूज़ किया है। ये देखिए वाओ, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है और बच्चों को तो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से फटाफट तरीके से बच्चों को ये रेसिपी बनाइए, बच्चों को क्या बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फटाफट तरीके से बनाइए, फैमिली बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ पोटैटो बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी। यदि आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।